आयुक्त एवं निदेशक उद्योग विभाग के रविंद्र नायक ने संयुक्त चिकित्सालय और तहसील का निरीक्षण किया। निरीक्षण में खामियां मिलने पर सीएमओ और एसडीएम को सुधार के निर्देश दिए। आयुक्त एवं निदेशक दोपहर 12 बजे डाक बंगले पहुंचे, सर्वप्रथम गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद डीएम चंद्रविजय सिंह, एसएसपी सचिंद्र पटेल, सीडीओ नेह जैन ने बुके देकर उनका स्वागत किया। कुछ देर डाक बंगले में रुकने के बाद उनका काफिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचा। उन्होंने आपातकालीन कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान शौचालय में पानी की टोटी के लीकेज होने और सफाई न होने पर सीएमएस को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने एक्सपायरी डेट से 3 माह पूर्व की दवाएं वितरित करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एक्सपायरी डेट से 6 माह पूर्व की दवा को वितरित किया जाए और पुराना स्टॉक समाप्त किया जाए। इसके बाद पुरानी जर्जर बिल्डिंग को कंडम घोषित कराकर नई बिल्डिंग बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टॉक रजिस्टर भी चेक किया और महिला वार्ड में भर्ती मरीजों से दवा और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था देखी। अस्पताल में लगे आरओ की रिपेयरिंग कराने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने तहसील पहुँच निरीक्षण किया।